वेलकम एंड गुड मॉर्निंग ऑल। आज का लेक्चर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पर फोकस है। अभी हम देख लेते हैं डेफिनेशन क्या होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस दिखलाता है एक कार्य को शो करता है, दिखलाता है जो स्टार्ट हुआ था पास्ट में, जो कार्य पास्ट में स्टार्ट हुआ था स्टिल कंटिन्यू अभी भी हो रहा है एंड विल ऑल्सो कंटिन्यू फॉर सम टाइम इन फ्यूचर, और फ्यूचर में भी कुछ देर के लिए होना ही है उसको। जैसे देखिए, मीरा हैज बीन स्टडिंग अ बुक। मीरा किताब पढ़ती रही है, हिंदी होगा मीरा किताब पढ़ती रही है, चाहे मीरा किताब पढ़ती आ रही है। तो मीरा किताब, हिंदी ले देता हूं, मीरा किताब पढ़ती रही है। तो इसका क्या मतलब है? जब हम कह रहे हैं कि मीरा किताब पढ़ती रही है, तो मीरा ने पहले से ही पढ़ना शुरू कर दिया था। पास्ट में एक्शन इनिशिएट हुआ, स्टार्ट हुआ, और अभी जब बोल रहे हैं है, लिखा भी है, तो अभी भी कंटिन्यू है, और पढ़ती रही है जब बता रहे हैं तो पास्ट से लेकर अभी तक तो पढ़ रही है, लेकिन कहने के तुरंत बाद तो खत्म नहीं हो जाएगा। हाँ, ये फ्यूचर में भी कुछ टाइम के लिए चलेगा। तो क्या होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस? उस एक्शन को दिखलाता है जो एक्शन पास्ट में शुरू हुआ, अभी भी कंटिन्यू है, और फ्यूचर में भी थोड़े देर तक, कम से कम थोड़े देर तक चलना है। जैसे इट हैज बीन रेनिंग फॉर एन आवर, एक घंटे से वर्षा हो रही है, एक घंटे से वर्षा हो रही है चाहे होती आ रही है, ठीक है। तो एक घंटे से वर्षा होती आ रही है यहाँ पे कहें तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे एक घंटा मतलब अभी के एक घंटा पहले, तो पास्ट, और फिर अभी भी हो रही है प्रेजेंट, और कहते कहते वर्षा छूट नहीं गई, हाँ तो ये फ्यूचर भी, तो तीनों टाइम में हुआ। तो इस तरह से प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का डेफिनेशन हो गया। द डॉग हैज बीन सिक फॉर 2 डेज, कुत्ता 2 दिनों से बीमार रहा है या रहते आया है, तो यहाँ पे 2 दिनों से बीमार है तो रहेगा। दे हैव बीन टॉकिंग ऑल द टाइम, वे हमेशा बात करते रहे हैं। बात करते रहे हैं मतलब पास्ट में, प्रेजेंट में, और अभी कहने पे तुरंत तो बंद नहीं हो जाए, कुछ देर तो चलना ही चलना है। तो इस तरह से प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है उस एक्शन को दिखलाने का जो पास्ट में शुरू हुआ था, अभी जारी है, और फ्यूचर में कुछ देर के लिए चलना चाहिए। अब आगे इसका आइडेंटिफिकेशन कैसे करते हैं हिंदी में? हिंदी में क्रिया के बाद होता है ता रहा है, ती रही है, ते रहे हैं, ते रहे हो, ता रहा हूँ, ती रही हूँ। यहाँ पर जैसे ता रहा है, लिखता रहा है, लिखा है, अगर हम कहें राम पत्र लिखते आ रहा है, तो यह भी होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, मतलब ता आ रहा है, ती आ रही है, ऐसे भी आ भी जोड़ सकते हैं बीच में, अच्छा है ता रहा है, ती रही है, ते रहे हैं, यह भी होता है। तो ध्यान रखेंगे हम कि इस क्रिया के अंत में ता रहा है, ती रही है, ते रहे हैं, ते रहे हो, ता रहा है, ती रही हूँ होना चाहिए, तो वो सेंटेंस होगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हिंदी के लिए। देख लीजिए, यहाँ पे ती रही है, यहाँ पे लिखते रहे हैं, यहाँ पे लिखते रहे हो, यहाँ लिखती रही हूँ, ये सब है। आगे बढ़ते हुए स्ट्रक्चर क्या होता है? ये जो मैं पिंक कलर किया हूँ इसको बाद में देखते हैं, पहले जो ये ब्लू कलर में है, आप जानते हैं किसी भी टेंस में पहले सब्जेक्ट और फिर ऑब्जेक्ट, ये तो समझ गए हैं आप। अब इसमें हेल्पिंग वर्ब पे बात करते हैं, तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब होता हैज या हैव। हैज आप जानते हैं जब सब्जेक्ट सिंगुलर तो हैज, और जब सब्जेक्ट प्लुरल तो हैव लगाते हैं, सब्जेक्ट के अनुसार लगाते हैं। अब हैज लगाएंगे चाहे हैव लगाएंगे, बीन तो लगाएंगे ही लगाएंगे, और बीन लगाने के बाद वी फोर मतलब वर्ब में आई एन जी के साथ जो कट लिखते हैं उसे वी फोर कहते हैं, और फिर ऑब्जेक्ट। अगर टाइम दिया रहेगा यहाँ पे, अब इसको बता रहा हूँ, टाइम दिया रहेगा उसमें 2 दिन, 2 घंटा, कोई मंडे संडे कुछ भी, तो वहाँ पे सिंस या फॉर लगाएंगे, दोनों में से कब सिंस लगाएंगे, कब फॉर लगाएंगे,
एक पॉइंट ऑफ टाइम एंड पीरियड ऑफ टाइम का लेक्चर हमने यूट्यूब पे डाल रखा है पहले से, उसको देख सकते हैं। और आज भी उसी का कुछ पोर्शन आपको दिखेगा कि कहाँ पे सिंस लगाना है, कहाँ पे फॉर लगाना है, मतलब कौन सा टाइम पॉइंट ऑफ टाइम होता है, कौन सा टाइम पीरियड ऑफ टाइम होता है, आपको मिलेगा अभी आगे की स्लाइड में। अभी स्ट्रक्चर देखते हैं। सब्जेक्ट हैज या है प्लस बीन प्लस वी फोर प्लस ऑब्जेक्ट, और टाइम रहेगा तो फॉर चाहे सिंस, उसके बाद टाइम लगाना है। देखते हैं, राम पत्र लिखता रहा है तो राम हो जाएगा, राम सिंगुलर है तो यहाँ पे हैज हो जाएगा, बीन तो लिखना ही पड़ेगा, लिखना का राइट में आई एन जी राइटिंग अ लेटर, राम हैज बीन राइटिंग अ लेटर। सीता पत्र लिखती रही है तो यहाँ पे हो जाएगा सीता, और हैज हो जाएगा, हैज के बाद बीन राइटिंग अ लेटर। वे लोग पत्र लिखते रहे हैं तो वे लोग के लिए दे हो जाएगा, दे के साथ प्लूरल है तो हैव आएगा, अब बीन राइटिंग, अब यहाँ पे वे लोग हैं तो एक तो चिट्ठी नहीं लिखेंगे, लेटर्स करना पड़ेगा। तुम पत्र लिखते रहे हो तो यू, यू के साथ प्लूरल मानता है तो हैव, बीन तो रहेगा ही, राइटिंग ही रहेगा, राइटिंग तो हर जगह रहना है, और लेटर। मैं 2 घंटे से पत्र लिख रही हूँ, अभी 2 घंटे है, इसको भी रोक लेते हैं, मैं पत्र लिख रही हूँ तो क्या होगा, आई हैव बीन राइटिंग अ लेटर। अब 2 घंटे है तो यहाँ पे 2 घंटे पीरियड ऑफ टाइम होता है तो फोर हो जाएगा, और 2 आवर्स, फॉर 2 आवर्स। तो इस तरह से स्ट्रक्चर होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का। अब पॉइंट ऑफ टाइम एंड पीरियड ऑफ टाइम देखते हैं। पॉइंट ऑफ टाइम को बोलते हैं समय बिंदु, और पीरियड ऑफ टाइम को बोलते हैं समय अवधि। देखिए, ये जो टाइम लिखा है ना पिंक कलर में, ये सारे टाइम अगर सेंटेंस में रहेंगे तो आप उसके पहले लगा देंगे, पहले लगा देंगे क्या, सिंस, सिंस को पहले लगाएंगे, फिर आप इसको लिखेंगे पॉइंट ऑफ टाइम को, तब लिखेंगे आप। तो पॉइंट ऑफ टाइम का दूसरा भी है कि सेंटेंस में टाइम देखने से लगे, कब से अगर समझ में आ रहा है कि कब से है तो आप वहां पे सिंस लगाएंगे, और ऐसे ही कितने समय से है तो वहां पे फॉर लगाते हैं। इधर फॉर लगाने के बाद ये वर्ड्स हैं, ये वर्ड सेंटेंस में रहेंगे तो आपको फॉर लगाना है, और पीरियड ऑफ टाइम कहा जाता है। देखिए, पॉइंट ऑफ टाइम क्या होता है, एक निश्चित समय होता है जो इंडिकेट करता है कि काम किस निश्चित समय पर शुरू हुआ। इसलिए जब समय निश्चित होता है, किस समय पर शुरू हुआ, कब से हुआ, ये ट्रिक है, कब से का आंसर मिलेगा आप सेंटेंस पर ही, कब से का आंसर मिलेगा तो सिंस लगेगा, और वो पॉइंट ऑफ टाइम है, तब वहां पे टाइम के पहले सिंस लगाकर फिर टाइम लिखते हैं। अगर समझ में इतना भी नहीं आ रहा है तो ध्यान रखिएगा कि टाइम में अगर ओ क्लॉक एम पी एम रहेगा तो यह पॉइंट ऑफ टाइम है, सिंस लगेगा। मॉर्निंग इवनिंग नाइट लिखा हुआ मिलेगा, मॉर्निंग इवनिंग नाइट, तो भी वहाँ वो पॉइंट ऑफ टाइम है, सिंस लगेगा। अगर नेम ऑफ डे, नेम ऑफ डे मतलब संडे मंडे लिखा रहेगा, नेम ऑफ मंथ मतलब जनवरी फरवरी, नेम ऑफ ईयर 2010 2011 2021 तो वो भी पॉइंट ऑफ टाइम रहेगा, उसके पहले सिंस लगेगा। अगर कोई पार्टिकुलर डेट लिखा है तो भी पॉइंट ऑफ टाइम वो है और सिंस लगना है। अगर बर्थ डेथ मैरिज अराइवल डिपार्चर ये सब शब्द ही लिखा रहेगा सेंटेंस में तो इसे भी पॉइंट ऑफ टाइम मानते हैं। चाइल्डहुड भी जोड़ दीजिए, और भी बहुत से शब्द होते हैं लेकिन नॉर्मली ये याद रखना है, तो इन्हें पॉइंट ऑफ टाइम माना जाता है और इनके पहले सिंस का प्रयोग करते हैं। और कोई फेस्टिवल का नाम है, जैसे कि अभी होली आने वाली है, होली, दिवाली, कोई और भी फेस्टिवल, इवेंट क्या होता है, पिकनिक, तो कोई इवेंट का नाम रहेगा तो वो सब रहेगा तो उसे पॉइंट ऑफ टाइम समझा जाता है और उसके पहले सीन्स लगाते हैं। पीरियड ऑफ टाइम पॉइंट ऑफ टाइम डेफिनिट था, यह इनडेफिनिट होता है। टास्क शुरू होने का अवधि का पता चलता है, उस एग्जैक्ट टाइम का पता नहीं चलता, वहां पे एग्जैक्ट टाइम का पता चलता था, उधर ट्रिक था कब से, अब यहाँ पे कितने समय से। फिर भी अगर सेंटेंस में आवर, हाँ आवर लिखा मिलेगा, डे वीक मंथ ईयर डिकेड सेंचुरी ऐसा कोई शब्द मिलेगा तो उसके पहले फॉर और फिर इन शब्दों का प्रयोग करेंगे।
एवर भी रहेगा तो भी इसके साथ आप फॉर का प्रयोग करेंगे। आप तो जानते भी हैं कि फॉर एवर एक फ्रेज है, इसका मतलब ही होता है हमेशा। तो फॉर एवर से आप याद रखेंगे कि एवर के पहले फॉर का प्रयोग करते हैं, और लॉन्ग टाइम रहेगा तब भी इसके पहले फॉर का प्रयोग करेंगे, और इसे भी पीरियड ऑफ टाइम समझा जाता है। तो आपने देख लिया कि अगर सेंटेंस में अगर राम पत्र लिखते आ रहा है, अगर कहें राम 2 दिनों से, चाहे कहें मंडे से, राम मंडे से पत्र लिखते आ रहा है, तो क्या करेंगे इसका ट्रांसलेशन? राम, राम के साथ हैज, हैज के बाद तो बीन लगाना है, और फिर बिफोर लगाना है, बिफोर के बाद ऑब्जेक्ट, राम हैज बीन राइटिंग अ लेटर, और फिर मंडे से नेम ऑफ डे लिखा है। देखिए यहाँ पे नेम ऑफ डे होना तो क्या होगा, पॉइंट ऑफ टाइम और सीन्स लगाएंगे, तो यहाँ पे वापस जाएंगे तो लगेगा सीन्स और फिर मंडे। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का कोई खास यूज नहीं है, लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के अधिकतर सेंटेंसेस सिंस या फॉर से होते हैं, इसलिए सिंस कहाँ लगाते हैं, फॉर कहाँ लगाते हैं, उसको हमने समझ लिया है। इस लेक्चर में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।